इस वक्त हम एक ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं और डॉक्टर मनीष पोरवाल और उनकी टीम एक ओपन हार्ट सर्जरी यहाँ पर कर रही है जिसे उन्होंने अंजाम दिया है। डॉक्टर पोरवाल हमारे साथ सामने हैं। हम चाहेंगे डॉक्टर पोरवाल कि कैसा रहा ऑपरेशन, पहले तो बताइए। ऑपरेशन सफल रहा है। ये हमारे जो पेशेंट हैं इनकी तीनों में से 100% ब्लॉक थी और कुछ समय पहले इनको अटैक आया था और एंजियोग्राफी में हमने पाया था कि तीनों में से चोक्ड हैं और करीब करीब 99 to 100% ब्लॉक है। ऐसे मरीज को ऑपरेशन ज़रूरी होता है और हमने इसलिए आज ही ऑपरेशन रखा क्योंकि ज़्यादा रुकने में आने वाले समय में उनके लिए तकलीफदायक थे और सेकंड हार्ट अटैक आने का खतरा भी था, इसलिए इनको तीनों नसों को बाईपास करके ऑपरेशन करके इनकी आने वाले समय को, लाइफ को हमने सुदृढ़ बना दिया है। नहीं, बहुत नेक काम डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं। डॉक्टर मनीष पोरवाल जी के बारे में आपको बता दें, डॉक्टर मनीष पोरवाल अब तक 20,000 से ज़्यादा दिल के ऑपरेशन कर चुके हैं, ओपन हार्ट सर्जरी और दूसरे ऑपरेशन आप कर चुके हैं। लेकिन एक एक जो बहुत ख़ास बात डॉक्टर मनीष पोरवाल जी की है वो ये कि डॉक्टर साहब किसी भी पेशेंट से ख़ुद डील करते हैं, उससे बातचीत करते हैं और उसके जो भी दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है उसे खुद समझते हैं, उसको बताते हैं। क्योंकि बहुत सारी आजकल ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि स्टंट डालने में ज़्यादा पैसा ले लिया जाता है, ऑपरेशन करने में ज़्यादा पैसा ले लिया जाता है, जब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वो डॉक्टर क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, कितना खर्च उसमें आ रहा है। डॉक्टर साहब, मरीज़ और उनके रिश्तेदारों से अपने प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को बता के करना चाहिए कि इस प्रोसीजर्स में क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है और आने वाले समय में इसको कितनी लंबी लाइफ मिलती है। और जैसे कि आज हमने 4 ऑपरेशन रखे थे और 4 ऑपरेशन हमने किए और ठीक है। लेकिन हमने सुना है कि रोज़ के आप 4 ऑपरेशन तो कर ही लेते हैं, ये अंदर क्या है, ये इस तरफ खड़े हैं, अगर आप हम लोगों को ले चल के यहाँ बात करें तो सर रोज़ 4 ऑपरेशन कर लेते हैं सर? हाँ, डेली बेसिस पे 4 या 5 ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन थिएटर से शिफ्ट करने के बाद हम यहाँ रखते हैं, ये रिकवरी है। अच्छा, रिकवरी के। हाँ, जैसे कि सुबह के जो भी ऑपरेशन किए थे वो अब नीचे आईसीयू में शिफ्ट हो गए हैं और अभी के जो दोनों ऑपरेशन चल रहे हैं वो कुछ ही देर में यहाँ आएंगे और 2 से 3 घंटे हम उनको ऑब्जर्व करेंगे। हार्ट के ऑपरेशन के बाद पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर के पास रखना पड़ता है कि आने वाले 2-3 घंटे उनके जो महत्वपूर्ण होते हैं उस टाइम में कुछ सेकंड सर्जरी की ज़रूरत हो या कोई प्रॉब्लम है या ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको वापस लेने की ज़रूरत हो तो कुछ घंटे हम इन मरीज़ों को ऑपरेशन थिएटर के बिल्कुल पास रखते हैं और जब हमें लगता है कि मरीज़ बिल्कुल सुरक्षित है तो हम उनको आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस प्लेस को रिकवरी बोलते हैं। रिकवरी में सभी तरह की सुविधाएँ होती है, पेशेंट की मॉनिटरिंग हर चीज़ की होती है, धड़कन की मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग, उनको कितना फ्लूड देना है और वेंटिलेटर वगैरह जो लगते हैं वो सब की मॉनिटरिंग हम करते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा डर लगता है जैसे ही हार्ट की कोई बीमारी के बारे में सुनते हैं। ओपन हार्ट सुन के तो दिल दिल बैठ जाता है, ये कहावत ज़रूर है, लेकिन इंसान परेशान हो जाता है। क्या ऐसा लगता है आपको कि नहीं, अब तो हमें यह ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है और आप सारी चीज़ फाड़ कर देते हैं? क्या होता है, जो पेशेंट हमारे पास आता है उससे ये बता दिया जाता है कि उसकी बीमारी जो अंदरूनी बीमारी है हार्ट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दवाइयों से काम नहीं चलेगा या एंजियोप्लास्टी एजेंट से काम नहीं चलेगा, नशे सब चौक है, तो वो मेंटली प्रिपेयर होकर आते हैं। पेशेंट और उनकी फैमिली को मालूम रहता है कि अब आखिरी जो ऑप्शन बचा है वो सिर्फ बाईपास बचा है। तो इस तरह के मरीज़ों को हम पूरा समझा के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा के ऑपरेशन करते हैं, उनकी सब ज़रूरत भरी टेस्ट नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन करके, और हमें जब लगता है कि हमें उम्मीद होने की सफलता मिलने की जो परसेंटेज वो कम से कम 98% 99% है तो फिर हमको ऑपरेशन करते हैं। कब से डॉक्टर साहब ये सिलसिला चल रहा है? मेरे हार्ट को ऑपरेशन शुरू किए थे मैंने 1992 में, तो करीब करीब 25 साल हो गए हार्ट के ऑपरेशन करते करते। 25 साल में 20,000 से ज़्यादा ऑपरेशन हो गए। सारे ओपन हार्ट हैं? हाँ, सभी तरह के सर्जरीज हैं, इनमें कुछ बच्चों की सर्जरी है, वॉल रिप्लेसमेंट्स हैं, वॉल हार्ट के वॉल रिपेयर्स हैं और मेजॉरिटी बाईपास सर्जरी है, सभी तरह के ऑपरेशन की। ज़्यादातर तो इंदौर के ही पेशेंट्स होते होंगे? मैं अलग अलग समय में अलग अलग जगह रहा हूँ, मैंने काफ़ी साल बॉम्बे में
बिताए हैं 1993 से 1999 तक बॉम्बे रहा हूँ, दो साल ऑस्ट्रेलिया भी रहा हूँ और 2001 से मैं इंदौर आ गया हूँ। तो इंदौर में सेंट्रल इंडिया के सभी पेशेंट आते हैं, कुछ लोगों के रिलेटिव्स बाहर हैं वो अपने रिलेटिव्स को बुला लेते हैं, कभी कोई सऊदी से आ गया है, कोई बॉम्बे से आ गया है, गुजरात से आ गया है, उड़ीसा से आ गया है, पर सेंट्रल इंडिया के जो मध्य प्रदेश के पेशेंट हैं वो सब आसपास के आते हैं हमारे। कम से कम 17 साल से तो आप इंदौर में? हाँ, 2001 से। और जो हमारे इंदौर वासी हैं वो कितना इस दिल की बीमारी से पीड़ित है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इतने साल बाहर रहा लेकिन मैं इंदौर को एक भी दिन नहीं भूला। लोगों ने पूछते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया और बॉम्बे में रहने के बाद भी इंदौर कैसे आ गए, तो इंदौर की जो माटी है, इंदौर की जो खुशबू है वो मुझे यहाँ लेते आई, तो मैं इंदौर वापस आ गया हूँ। और जहाँ तक की बीमारियों की बात करें तो हृदय की बीमारियाँ तो हमारे देश में काफ़ी बढ़ गई है, उसके कई कारण है, हमारा खान पान है या हमारा जो जेनेटिक बैकग्राउंड है, हमारा जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें कि हमारा पेट का वजन भी बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, और खान पान है, तो हमारे यहाँ मरीजों में हार्ट की बीमारी कम उम्र में होती है। एवरेज एज जो है आजकल जो 60 से 70 साल की उम्र में बाईपास किया जाता था वो घट के 40 से 50 साल की उम्र में हो गई है। बढ़ता हुआ तनाव, बढ़ती हुई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये सब कारण है कि हमारे देश के मरीजों में हार्ट की बीमारियाँ जल्दी हो रही है और मल्टीपल डिसीज ज़्यादा होती है। तीनों नसों का इन्वॉल्वमेंट, तीनों नसों की ब्लॉकेज के कारण से बाईपास की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। क्यों होती क्यों है सर दिल की बीमारी? हमें आसान शब्दों में समझाइए, हमें समझाइए कि आप ये खाते हैं इसलिए होती है, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है इसलिए होती है, कैसे हम समझें? कई संकटकालीन तत्व होते हैं जिसको हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स जो हैं पेशेंट को जल्दी बीमारियाँ देते हैं। इन रिस्क फैक्टर्स में सबसे महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर आता है बढ़ती हुई डायबिटीज़, बढ़ता हुआ शुगर की बीमारी से ब्लॉकेजेस होते हैं, उसके अलावा ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं, या स्मोकिंग की हैबिट्स हैं। कई यंग पेशेंट आते हैं जो सिगरेट या बीड़ी का सेवन करते हैं। पहले तो कहता था कि कहे जाता था कि ये बीमारी शहर में होती है, पर गाँव के लोग जो बीड़ी पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनको भी बीमारियाँ होती, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स मिला के सबसे आखिरी में आता है खान पान। हम लोगों का जो खाने का तरीका है, जो खूब ज़्यादा घी और तेल का सेवन करते हैं, उस कारण से भी बीमारियाँ। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, पुराने ज़माने में जो दादा नानी हुआ करते थे तो बड़े खुश होते थे अगर दाल में एक चम्मच घी डाल के बच्चा खा ले, या घी खा ले, या मलाई खा ले, इस तरह की चीज़ें खाए तो बड़ा खुश होते थे वो। पर बदलाव आया है, पुराने लोग घी ज़्यादा खाते थे पर मेहनत खूब करते थे, खुद ही चलते थे, खुद ही जाते थे, दुकान खोलते थे, शटर ऊपर करते थे, शटर डाउन करते थे, और गाड़ियाँ नहीं चलाते थे, खूब चलना फिरना करते थे। हम लोगों के लिए हर चीज़ के लिए अब गाड़ियाँ हैं, हम लोग मेहनत बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब डॉक्टर साहब ये हुआ कि फिजिकल लेबर, शारीरिक श्रम हम नहीं करते हैं, ये उसका कारण है? 30 से 40 मिनट रोज अपने शरीर को देना जरूरी है, किसी भी फॉर्म में दें, या तो तनाव दूर करें, मेडिटेशन करें, या एक अच्छी एक्सरसाइज करें। लोगों बोलते हैं कि हम थोड़ा वॉक करते हैं, मेरे हिसाब से खाली वॉक करना ठीक नहीं है, तेज़ी से चलना पड़ता है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, थोड़ा दौड़ना पड़ता है, तो हमारी बॉडी की जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो बर्न होती है, तो हम मानते हैं कि हमने कुछ एक्सरसाइज की और जो खाया पिया उसको अच्छे से पचाया। सर दिल की बीमारी को हार्ट की बीमारी को सीधे जोड़ दिया जाता है टेंशन। टेंशन किसे, तनाव किसे नहीं है, हर व्यक्ति तनाव में रहता है, तो मतलब किसी को कभी भी दिल की बीमारी हो सकती है। तनाव बढ़ता जा रहा है, जो पहले का तनाव था और जो अभी के तनाव में काफ़ी फ़र्क है, और इस तनाव को कम करने के लिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अपने आपको खुद को शरीर को एक घंटा देना है, खुद को मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, और खुद अपनी लाइफस्टाइल जीवन शैली को ऐसा बना लिया जाए कि तनाव नहीं रहे। तो ठीक है सर, आप हमें, हम सॉरी थोड़ा सा लिबर्टी ले रहे हैं आपसे, हम चाहते हैं कि हम जब सुबह उठें, हम मतलब सभी देखने वाले हमारे साथी लोग, जब वो सुबह उठें और उठने से लेके रात को सोने तक आपकी दृष्टि में क्या करें कि उन्हें कभी दिल की बीमारी ना हो, आपके पास आना हो। पूरा शेड्यूल प्लान करना चाहिए कि आपको कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, और दिन भर में आपको किस तरह से आपका तनाव कम करना है, आपको मालूम है आपका क्या काम है, आपको कहाँ जाना है, तो ये सब प्लान आपके माइंड में इस तरह से करें। खाना आपको संतुलित आहार लेना है, बैलेंस डाइट लेना है, तो ये सब चीज़ें प्लान की जा सकती है। और जो अपने कुछ बैड हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स में टबेको स्मोकिंग, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर लेना, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल में की जा सकती है, और इस तरीके से तनाव भी दूर किया जा सकता है और हार्ट की बीमारी से बचा जा सकता है। सर हमारे बहुत सारे साथी लोग जो हैं आजकल वो पूरी तरह से सॉल्ट एंड शुगर, जो आपने नमक और शक्कर की बात की,
वो छोड़ रहे हैं सर, क्या ये सही है? छोड़ने का तो जरूरत नहीं लगता है, लेकिन कंट्रोल करना ज़रूरी है। नमक का जो सेवन है, हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि नमक का सेवन 4 से 5 ग्राम होना चाहिए। मतलब एक बहुत छोटा सा चम्मच, कम चम्मच के 5 ग्राम का सेवन दिन भर में नमक का हम रिकमेंड करते हैं। और जिनको डायबिटीज़ नहीं है या जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ नहीं है, उनको शुगर बंद करने की ज़रूरत नहीं है, पर शुगर कम मात्रा में ली जाए, कंट्रोल ली जाए। जैसे कि दूध और शक्कर, दूध और चाय में थोड़ा सा शक्कर डाल के अपन पिए, और कोई खुशी के मौके पे थोड़ा स्वीट्स ले लें या मिठाई ले लें, रोज़ मिठाई नहीं खाएं। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब ये भी सुनने में आया, एक ज़माना था जब दिल की बीमारी सुनते थे कि ज़्यादा उम्र 40, 45, 50 के बाद हुआ करती थी, लेकिन अब तो किसी को भी हार्ट अटैक आ रहा है, ये क्यों? ये हमारे देश में ज़्यादा प्रचलित है, ये पूरे वर्ल्ड में या दुनिया में डाटा से देखें तो पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा है। और हमारा जो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट है, जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेशी, हम लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। हम लोगों की बॉडी का स्ट्रक्चर छोटा है, हम लोगों की नसें थोड़ी बारीक है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी साल रहा और वहाँ की जो नसें देखी लोगों की, वो 3-3 मिलीमीटर की नसें होती है, बड़ी नसें होती है, क्योंकि उनका बॉडी का स्ट्रक्चर बड़ा होता है। हमारे देश के हमारे लोगों का स्ट्रक्चर छोटा है, तो नसें भी बारीक है, थोड़ा सा भी ब्लॉकेज है वो जल्दी प्रोग्रेस करता है। इसलिए हमारा जेनेटिक बैकग्राउंड जो अलग है, उस कारण से यंग पेशेंट ज़्यादा हार्ट की बीमारियों को लेकर आ रहे हैं। 30 से 40 साल की उम्र के मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं कि जिनको जल्दी बीमारियाँ हो जाती है। कई पेशेंट एंजियोप्लास्टिसिटी हो जाते हैं, लेकिन जो डायबिटिक होते हैं, जो उनको मल्टी वेसल डिजीज होती है, फिर उनको बाईपास की ज़रूरत पड़ सकती है। कैसे हम ये जाने या माने कि अब ख़तरा बढ़ रहा है? क्या ये धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है या अचानक से आपको पता चलता है? सबसे पहले तो आप अपना फैमिली बैकग्राउंड देखें कि आपके फैमिली में आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स को, या आपके दादा दादी को, या आपके नाना नानी को कोई हार्ट की बीमारी रही है। अगर आपकी फैमिली में पीछे मुड़ के देखें कि आपकी फैमिली में किसी को हार्ट की बीमारी रही है, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि फैमिली में होने के कारण से आपको भी अपनी दिल की मरीज बनने की चांस 3 गुना ज़्यादा है। तो ऐसे में हमें प्रिकॉशन ज़्यादा लेने पड़ेंगे। और जिनकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, जिनको बीमारियाँ नहीं रही है, तो उनका जो रिस्क फैक्टर फैमिली रिस्क फैक्टर से वो तो हट जाता है कि फैमिली हिस्ट्री है नहीं है, परंतु हम खुद अपनी रिस्क फैक्टर्स बढ़ा देते हैं। रिस्क फैक्टर्स हम कैसे बढ़ाते हैं? जैसे कि अपन कब से चर्चा कर रहे हैं, मानसिक तनाव को लेकर अपन बातचीत कर रहे हैं कि तनाव बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तनाव बढ़ने से शुगर बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। तो तनाव को कम करें, और जो बाकी रिस्क फैक्टर्स जो अपनी फैमिली से जुड़े हुए हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, बैड खाने की खराब हैबिट्स है, तनाव वाली ज़िंदगी है, तो इन सब चीज़ों से अपने को मुक्त करना ज़रूरी है। पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकते, पर कम तो किया जा सकता है। सर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने में जिनको आप रिकमेंड करते हैं कि एकदम त्याग दीजिए, भूल जाइए, उनके एक्सिस्टेंस को नकार दीजिए? देखिए, जो डायबिटिक्स है उनको शुगर नहीं लेना है, उनको नॉर्मल नहीं लेना है, उनको फ्रूट जूस नहीं लेना है। नॉर्मल कोर्स में तो ऐसा मैं कुछ ऐसा नहीं, जिनको कोई बीमारी नहीं है तो मैं ये ऐसा तो नहीं कहूँगा कि कुछ भी नहीं लें, सब कुछ बंद कर सकते हैं। लेकिन जो रूटीन चीज़ें हैं जिनसे अपने को मालूम है कि जिनमें चिकनाई ज़्यादा होती है, मलाई है, मक्खन है, घी है, तली हुई चीज़ें हैं, इनका सेवन हमें कंट्रोल में करना है, कम करना है। अब कम से कैसे कम करना है कि जो ज़रूरत है, सब्जियों में हम 3 चम्मच तेल डालें दिन भर में, नाश्ते में, दिन के खाने में 4, शाम के खाने में 3 से 4 चम्मच तेल से काम चल जाए। घी कम से कम, थोड़ा सा दाल में अपने यहाँ घी डलता है, बहुत कम क्वांटिटी में घी डालें, और नमक का सेवन उतना ही करें जितने की स्वाद के अनुसार ज़रूरी है। तो एक पूरा डाइट प्लान हम हमारे मरीजों को देते हैं कि क्या खाना क्या नहीं खाना, पर हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इतना कंट्रोल करना संभव नहीं होता है, पर जितना कंट्रोल कर पाएँ उतना कंट्रोल तो करना चाहिए। डॉक्टर पोरवाल, क्या आप ये मानते हैं कि खान पान पर नियंत्रण और एक संयमित दिनचर्या आपको इस खतरे से बचा देती जरूरी है? बचा देती खान पान का नियंत्रण तो जैसे मैं कब से कह रहा हूँ, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की प्रॉब्लम की, उनको तो ज़्यादा करना चाहिए। जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनको भी थोड़ा तो खान पान पर नियंत्रण करना ही चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन भी सीखे कि हमें किस तरह का खाना खाना है, किस तरह की चीज़ें नहीं खाना और क्या कम खाना है। तो खान पान का बैलेंस डाइट तो लेना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ स्टाइल। हमें लगता है डॉक्टर साहब कि आपने हर वो चीज़ जिससे बचा जा सके दिल की बीमारी से, वो बताई हमें, लेकिन मान लीजिए फिर भी चलिए हो गई किसी कारणवश, तब क्या करें? हम हमेशा कहते आए हैं कि जो 45 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं,
तो उनको हर तीन से चार साल में रेगुलर चेकअप कराते रहे, लिपिड प्रोफाइल है, ट्रेडमिल टेस्ट है जो बेल्ट पे चलाते हैं, ये सब रेगुलर जांचें तीन साल में कराते रहेंगे तो आने वाले समय में कोई भी छुपी हुई हार्ट की बीमारी वो पकड़ में आ जाती है। और एक कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में ECG की फैसिलिटी हमेशा रहती है। कुछ भी आपको शरीर में अनयूजुअल लग रहा है कि जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में भाषा में बोलते हैं कि गैस बन गई है या कुछ डुच्चा अटक गया, कुछ भी लगे तो कहीं भी हॉस्पिटल में जाके ECG कराएं, और वो ECG अगर नॉर्मल आता है तो 6 घंटे बाद रिपीट करवाएं। तो सबसे पहले तो ये बहुत सिंपल टेस्ट ECG से 6 घंटे बाद नॉर्मल आया तो रिपीट क्यों करवाएं सर? वो इसलिए करते हैं कि कई बार ECG में गड़बड़ आती नहीं है, अंदर ब्लॉक डेवलप हो रहा है नस में और वो ब्लॉक बढ़ते 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 6 घंटे में ज़्यादा ब्लॉक बढ़ा तो 6 घंटे बाद ECG में चेंजेस आते हैं। तो कई बार ECG सामान्य आता है पहले ECG और तकलीफ बनी हुई है तो 6 घंटे बाद वही ECG रिपीट किया जाए, और कोई कार्डियोलॉजिस्ट है या फिजिशियन है उसको कंसल्ट किया जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसका आगे का इलाज क्या किया जाए। तो वो अपने समय से अपने हिसाब से जांच करवा के आपको डायग्नोसिस बना के देगा कि कोई रियल में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो बेसिक जांचें जो है, एक तो जैसे मैंने ECG बताया है, एक इको की जाँच होती है जैसे हार्ट की, जो हम लोग हार्ट की फंक्शन देखता है, और बाकी आगे की जाँचें तो सब मालूम ही है, ट्रेडमिल टेस्ट है, एंजियोग्राफी है, ये सब बड़ी जाँचें बाद में एडमिशन पर की जाती है। हो गई सर बीमारी, हो गया कहीं ना कहीं नस में कुछ खतरा, तो उसके बाद क्या करें? हम हमेशा कहते आए हैं कि जो ब्लॉकेजेस हैं, ये एक मान्यता है कि किसी की भी एंजियोग्राफी कराओ तो ब्लॉकेजेस निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। कई पेशेंट्स ये सुन बड़ी उम्र के लोगों की भी एंजियोग्राफी होती है, वो नॉर्मल भी निकलती है। तो जो ब्लॉकेजेस हैं हार्ट की नसों में, वो 70% से ज़्यादा के ब्लॉकेजेस है उसको हम क्रिटिकल मानते हैं। 70% से कम ब्लॉकेजेस होते हैं, जो 50-60% कैटेगरी के होते हैं या कम होते हैं, उनको हम ट्रीट नहीं करते, उनको सिर्फ दवाइयों से चलाते हैं। जो महत्वपूर्ण नसें हैं, 3 प्रमुख नसें होती हैं हार्ट की, उन तीनों में से कोई महत्वपूर्ण नसों में 70% ऊपर का ब्लॉक है और वो ब्लॉक बहुत लंबा नहीं है तो उसको एंजियोप्लास्टी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं नसों में और उनकी जो सीवियरिटी है, जो उनकी कैटेगरी है, वो 70% से ज़्यादा है और मल्टीपल नसों में, हालांकि तीनों नसों में है, तो ऐसे केस को हम फिर ऑपरेशन का सलाह देते हैं। पर जो माइनर ब्लॉकेजेस हैं, जो 60% से 70% से कम है, उनको हम दवाइयों से ही ट्रीट करते हैं। सर एक और बहुत संकट आता है, मान लीजिए कोई ब्लॉकेज हो गया, कुछ डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि आप स्टंट डाल लीजिए, कुछ डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि आप ओपन हार्ट कर लीजिए। यहाँ पेशेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि हम करें तो करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि एक डॉक्टर बाईपास का बोलता है, एक डॉक्टर एंजियोप्लास्टी का बोलता है। ये कन्फ्यूजन एक तो इसलिए है कि कौन से पेशेंट को कौन सा स्टेंट लंबे समय तक चलेगा, ये कहना मुश्किल होता है। जो ब्लॉकेजेस लंबे लंबे होते हैं, जो काफ़ी लंबे नसों को इन्वॉल्व करते हैं, तो उसमें स्टेंट लगाने में हम थोड़ा सा कतराते हैं। पर जो ब्लॉकेजेस छोटे होते हैं, जिनकी लेंथ कम है, उसमें छोटा स्टेंट लगता है, तो वो ब्लॉकेजेस में स्टेंट लगाना ठीक रहता है, क्योंकि उसके वापस ब्लॉक होने की संभावनाएँ कम होती हैं। ज़्यादातर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसमें स्टेंट लगाने के लिए हम सलाह कम देते हैं, क्योंकि वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में स्टेंट की ब्लॉक होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, क्योंकि हम इस छत की हाइट को कोई बोलेगा 9 फीट है, कोई बोलेगा 10 फीट है, कोई बोलेगा 8 फीट है, तो ये सब विजुअल इंप्रेशन से ही ये डिसीजन होते हैं। जो विजुअल इंप्रेशन ब्लॉकेजेस देख के ही हम सलाह दे पाते हैं कि इसमें किस केस में क्या करना, इसलिए कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। डॉक्टर मनीष पोरवाल, एक और ऐसा मुद्दा आता है यहाँ पर ओपन हार्ट सर्जरी को लेकर या दिल की बीमारी को लेकर, ट्रांसपेरेंसी। आप ऑपरेशन थिएटर में ले गए, आपने क्या स्टंट लगाया, स्टंट की जो कीमत है उसको लेकर सरकार भी हमारी काफ़ी गंभीर है, सरकार ने भी काफ़ी कदम उठाए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पर इम्पोर्ट करने की प्राइस फिक्स कर दी कि हम ये इम्पोर्ट करते हैं, इतना पैसा है। कि ट्रांसपेरेंसी क्या हर जगह होती है, या बहुत ईमानदारी से बताइएगा कि कहीं ना कहीं जो पेशेंट होता है वो धोखा खा जाता है? आजकल तो गवर्नमेंट ने प्राइस तो फिक्स कर दी है स्टेंट की, जो प्राइस करीब करीब 25,000 से 30,000 के आसपास की है, कुछ एक स्टेंट शायद 20,000 के आसपास के भी है, उसके नीचे भी है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनियों के स्टेंट्स हैं वो 30,000 से 35,000 के हैं, और जो नेशनल कंपनियों के स्टेंट्स हैं वो करीब करीब 20,000 से 25,000 के स्टेंट्स आते हैं। तो कौन सा स्टेंट प्रॉब्लम देगा ये कहना मुश्किल है, पेशेंट टू पेशेंट बहुत वेरी करता है कि
कि वो बहुत अच्छी कंपनी का स्टेंट हो तो वो ज़्यादा चलेगा और इंडियन कंपनी का हो तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। पेशेंट्स के जो ब्लड का फ्लो है उसमें उसका जो शुगर का लेवल, उसमें कैल्शियम का लेवल, उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल, इन कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि वो स्टेंट कितना चलेगा। पर जो स्टेंट लगाए जाते हैं उस कंपनी के स्टेंट का स्टिकर और उसकी डिटेल्स वो फाइलों में चिपकाई जाती है, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा गलत काम नहीं हो सकता है कि स्टेंट्स लगाए, गलत लगाए, कम लगाए, ज़्यादा लगाए। और यूजुअली जो भी अच्छे रेपुटेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी तो मेंटेन की। डॉक्टर साहब, ये हमने इसलिए पूछा, हम जानते हैं कि आप स्टेंट नहीं लगाते हैं, आपका जो एक्सपर्टीज़ है वो बाईपास सर्जरी का है, लेकिन क्योंकि हमारे सब साथी, हमारे जो देखने वाले हैं उनके मन में शंका होती है, तो हमने ये मौके का फ़ायदा उठा लिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्योंकि क्यों ना हम इस शंका का समाधान। मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछें, दर्शकों को जितनी भी जानकारियाँ मिल रही है उनको अच्छा लग रहा है, उनको उनका नॉलेज बढ़ रहा है, तो मैं हर चीज़ का आंसर करने के लिए बैठा हूँ आपके लिए। हमें लगता है हमने सारी बात यहाँ पर आपसे पूछ ली है। इंदौर की वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया वापस विदेश छोड़कर इंदौर आकर बसने के लिए? कई सालों से बाहर रहने के बाद मैं इंदौर आया क्योंकि यहाँ मैं पैदा हुआ, बड़ा पला, तो इंदौर के लोगों का जो प्रेम है वो मुझे यहाँ खिंचाया, मैं वापस आ गया इंदौर इसलिए। सर, जो इंदौर वाले हैं वो पोहा जलेबी खूब खाते हैं, शाम को सराफा चले जाइए या अलग अलग मोहल्लों में चले जाइए, वो दूध के कड़ाव चढ़े होते हैं और गिलास भर के दूध, ऊपर से मलाई मार के वो भी है, और उसके अलावा पोहा जलेबी हमने बता ही दिया, तो जलेबी है जो मीठी भी है, रस भी उसमें काफ़ी है। तीसरी बात, दाल बाटी के इंदौर वाले बड़े शौकीन होते हैं, तो बाटी भी घी में डुबो डुबो के खाते हैं, तो क्या खाएं या खाइए पिए, लेकिन सुबह आधे से पौन घंटे एक्सरसाइज कीजिए तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। पक्का देख लीजिए, आप बोल रहे हैं सुबह आधा से पौन घंटा आपको कसरत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जो खाया पिया उसको बर्न करना है, कैलोरीज को बर्न करना है। मतलब सुबह हम नाश्ते में पोहे जलेबी खा लें आराम से, 3-4 जलेबी खा लें। जलेबी रोज नहीं खाते हैं, जलेबी वीक में या 2 वीक में एक ही बार खाते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रोज ना खाएं? रोज नहीं खाएं, रोज खाते भी नहीं आप सब लोग, आप भी जानते हैं कि 15-20 दिन में एक आध बार खाते हैं। तो एक्सरसाइज करें सुबह आधे से पौन घंटा, और थोड़ा तेज दौड़ना है, तेज चलना, और अपना जो खून में कोलेस्ट्रॉल की लेवल है वो चेक करते रहें, शुगर का लेवल चेक करते रहें, तो आप स्वस्थ रहेंगे। सर, एक बात बताइए कि इंदौर वासियों को देश या दुनिया के किसी भी शहर के लोगों से कम हार्ट की बीमारी होती है? ये कहना मुश्किल है कि एक माफी चाहता हूँ, ये बात हमने इसलिए की क्योंकि इंदौर के लोग बड़े प्रेमी होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, खुश मिजाज होते हैं, मेहमान नवाज होते हैं, है ना, ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। मैं तो यही कहना चाहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये आपकी बात सच हो जाए कि इंदौर के निवासियों को हार्ट की बीमारियाँ कम होती है, क्योंकि वो खुश हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और प्रेम रखते हैं, तो इसी तरह से हम आपस का प्रेम और खुशी बढ़ाते रहेंगे। सर, होता क्या है कि दिल्ली में अगर आप कार से जा रहे हैं और आपने किसी को ओवरटेक कर लिया तो उसे गुस्सा आ जाता है, वो आके लगाएगा आपकी कार को और आपसे लड़ेगा, हो सकता है मारपीट भी हो जाए, और अगर अतिशयोक्ति नहीं है तो हो सकता है वो पिस्टल निकाल दे और हत्या भी हो जाए। लेकिन इंदौर में अगर कोई जा रहा है तो सामने वाला मुस्कुरा नहीं देता है सर? मैं भी आप दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप भी मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। वो देखता है कि देखो कितनी तेज जा रहा है। हमारे ऐसा नहीं है, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, शहर की जो परिधि वो भी कम है, तो शायद भागदौड़ कम रहती है, इसलिए हम लोगों का जीने का तरीका अलग है दिल्ली वालों से। डॉक्टर मनीष, एक बात और बताइए, कितना बदला इंदौर 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले और आज का इंदौर? हमारे शहर ने काफ़ी प्रोग्रेस की है, और बहुत बड़ा पिछले 10 से 15 सालों में बहुत बड़ा मेडिकल हब बन गया है, तो हमारा शहर इंदौर पूरे नेशन के तरफ, नेशन के देश की आंखों के सामने है, और इस तरह से इंदौर वासियों का भी नाम हो रहा है, इंदौर का शहर का भी नाम हो रहा है, और क्यों ना हम ग्लोबली बात करें कि देश विदेश में इंदौर की पहचान आगे बढ़ती जाए। डॉक्टर मनीष पोरवाल जी, आपके इस नेक काम के लिए जो आप कर रहे हैं, लोगों को नई जिंदगी दे रहे हैं, उनका जीवन बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएँ, बधाई, और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ सईद अंसारी, इंदौर आज तक।